दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस का शुभारंभ राजेश अग्रवाल, महेश किशन पुनिया, प्रेम जी, दिनेश जी द्वारा भागवत पूजन कर किया गया। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी भाग्य श्री भारती जी ने कथा के माध्यम से बताया कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाया। उनके सामने उपस्थित होने पर भी, उनकी लीलाओं की चर्चा सुनने के बाद भी, अनेकों भक्तों का उनके प्रति आदर भाव देखने सुनने के बाद भी, केवल शिशुपाल ही नहीं बल्कि उस समय के अनेकों राजा भी भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए, तो क्या यदि आज भगवान हमारे सामने आ जाते तो हम भगवान को पहचान लेंगे? हमारे पास भगवान को पहचानने का क्या आधार होगा? क्या उनकी बाहरी वेशभूषा? यदि हम ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब अभी तक हमने अपने धार्मिक ग्रंथों का सही ढंग से अध्ययन ही नहीं किया, क्योंकि बाहरी वेशभूषा तो कोई भी धारण कर सकता है। इसलिए भगवान को पहचानने के लिए आवश्यकता है उस दिव्य दृष्टि की, जो दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को प्रदान की थी। भक्त प्रहलाद प्रसंग सुनाते हुए साध्वी जी ने बताया कि भक्त प्रहलाद के जीवन में अनेकों ही संकट आए, लेकिन वह अपने भक्त पद से विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनका अपने श्री हरि पर, अपने नारायण पर पूर्ण विश्वास था। यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी विश्वास भक्त प्रहलाद की भांति हो, तो हमें भी आवश्यकता है उस ईश्वर को जानने की। आगे कथा सुनाते हुए साध्वी जी ने बताया कि भक्त प्रहलाद के भीतर जो अद्भुत भक्ति बल था, उसके पीछे की कहीं न कहीं उनकी माँ के द्वारा दिए गए संस्कार थे, जिसने उन्हें एक महान भक्त बना दिया। इसलिए यह एक माँ पर ही निर्भर करता है कि वह अपनी संतान को किस सांचे में ढालना चाहती है, क्योंकि संस्कार देने का, शुभ विचार देने का जो समय है वह बाल्यावस्था ही होती है। इसलिए आप अपनी संतानों को श्रेष्ठ संस्कार दे, ताकि वह आगे चलकर एक श्रेष्ठ नागरिक बन सके। अनूपगढ़ से डीएल सारस्वत ब्यूरो की खास रिपोर्ट।